इस वक्त मैं गंजडंडवारा के रेलवे स्टेशन की तरफ आया हूँ और बहुत ही ज़रूरी मांग लेकर आया हूँ। ये स्टेशन आप देख रहे हैं, इसके एक तरफ प्लेटफॉर्म है, दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम एक प्लेटफॉर्म की मांग भी कर रहे हैं और गणेशपुर फाटक पर एक ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं। आज 13 अक्टूबर 2022 है और मैं खड़ा हुआ हूँ गणेशपुर फाटक पर। ये गंजडंडवारा डिस्ट्रिक्ट कासगंज में ये फाटक पड़ता है। आप ये दिखा दीजिए कि ये इस तरफ ये फाटक है, ये एटा होते हुए आगरा निकल जाएगा और इस तरफ जो है ये जो फाटक है ये बदायूं होते हुए बरेली निकल जाएगा। ये बरेली से आगरा तक के लिए ये एक तरह से रोड है जो कि फौजी रोड कहलाता है। जब फौज को जरूरत पड़ती है तो इसी रोड का इस्तेमाल होता है। बहुत जरूरी रोड है ये। और जो ये फाटक है ये ए क्लास का फाटक है। ए क्लास के फाटक वो होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो मैंने जैसा आपको दिखाया कि ये गणेशपुर का फाटक है, जब भी यहाँ से ट्रेन निकलती है तो ये फाटक अक्सर बंद होता है और चूंकि ए क्लास का फाटक है यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। तो मैं भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से ये आग्रह करता हूँ कि इस फाटक पर ओवर ब्रिज बनाया जाए क्योंकि काफी ट्रैफिक रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बरेली से आगरा तक के लिए ये रोड कनेक्ट करता है, इसलिए बदायूं का ट्रैफिक रहता है, बरेली का ट्रैफिक रहता है, आगरा एटा का ट्रैफिक रहता है, बहुत ज्यादा इस पे ट्रैफिक निकलता है। और जब ये फाटक बंद होता है तो लोगों को आने जाने में काफी असुविधा होती है। तो मैं भारत सरकार से, खासकर मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि इस फाटक पर एक ओवर ब्रिज बनना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। मैं आपको बता दूं कि ये गंजडंडवारा रेलवे स्टेशन है जो थोड़ी सी दूरी पर ही है, यहाँ पर भी काफी ट्रेनें रुकती हैं। और जैसा मैंने बताया कि ए क्लास का फाटक है गणेशपुर का फाटक और इधर गंजडंडवारा है, इधर गणेशपुर है, तो ये गणेशपुर गंजडंडवारा का फाटक कहलाता है। तो मैं बार बार सरकार से यही मांग करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनना चाहिए। ओवर ब्रिज का मतलब होता है एक ऊपर से जो पुल है वो बनना चाहिए, नीचे से ट्रेन निकलती रहेंगी, ऊपर से जो रोड का ट्रैफिक है वो निकलता रहेगा, दोनों आसानी हो जाएंगी, ट्रेन भी आसानी से निकलती रहेगी और ओवर ब्रिज से जो है ट्रैफिक भी निकलता रहेगा। तो यही हमारी मांग है कि यहाँ पर ओवर ब्रिज जल्द से जल्द बनना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहली मांग हमारी यह है कि गणेशपुर जो फाटक है, जो क्रॉसिंग है, वहां पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए, यानी पुल बनना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो, क्योंकि जब ट्रेन पास होती है तो फाटक बंद हो जाता है, लोगों को काफी असुविधा होती है। तो रेल मंत्रालय से हमने मांग की थी कि गणेशपुर फाटक पे एक ओवर ब्रिज बनना चाहिए। दूसरी मांग हमारी यह है कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गंजडंडवारा का ये रेलवे स्टेशन है, यहां पर भी काफी ट्रेन